ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमीरपुर में 2 दिवसीय योगा शिविर शुरू हो गया है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सरिता राणा ने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमीरपुर में योगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से अधिक स्थानीय महिलाओं, पुरुष तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दाखिल मरीजों ने भाग लिया। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमीरपुर में 2 दिवसीय योगा शिविर आज से शुरू हो गया है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सरिता राणा ने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमीरपुर में आज सुबह से 7 से 8 बजे तक योगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से अधिक स्थानीय महिलाएं, पुरुष तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दाखिल मरीजों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के हॉल में सुबह से 7 से 8 बजे तक 1 घंटा लोगों तथा अस्पताल में दाखिल रोगियों को योग क्रियाएं करवाई जाएंगी। इस दौरान योग विशेषज्ञ राम रतन शर्मा ने उपस्थित लोगों को भी विभिन्न योग क्रियाएं और योगासन करवाए तथा लोगों को योग की महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय में दाखिल रोगियों को भी मरम चिकित्सा के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुनु शर्मा, SMS जायका परियोजना डॉक्टर जगजीत कुमार शर्मा के अतिरिक्त जिला के विभिन्न आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों से आए हुए चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित थे।